हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड स्टडी सर्किल चैनल में। और दोस्तों, जैसा कि यूपीपीसीएल के लिए स्पेशल इंग्लिश के सिनोनिम्स के सीरीज चल रहे हैं और हम लोग अगले पार्ट में चलते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड इस तरह के टॉपिक के वीडियो मिलते रहेंगे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। हम लोग बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो भी ये सिनोनिम्स हैं, ये आपको जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वहाँ से लिए गए हैं, और यहीं से आपको सीधे सीधे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले पार्ट वन से स्टार्ट कीजिएगा देखना, और एक से दो बार देखेंगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट मीन्स होता है मौन रहने वाला, RETICENT, जिसे नॉट सेइंग मच बोलते हैं। रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मीन्स होता है पारस्परिक, यानी कि म्यूचुअल। तो RECIPROCAL रेसिप्रोकल मीन्स होता है पारस्परिक। अप्राइज। अप्राइज मीन्स होता है सूचना देना, यानी कि इन्फॉर्म करना। तो स्पेलिंग आप लोग देख सकते हैं, ARISE। नेक्स्ट है कंसेंसस। कंसेंसस मीन्स होता है आम सहमति, यानी कि कोई भी चीज़ें जब दो या दो से अधिक लोगों के बीच में होती हैं तो जो जनरल एग्रीमेंट होता है, सभी लोग उस पर राजी होते हैं, ऐसी चीज़ को हम लोग कंसेंसस बोलते हैं, यानी कि आम सहमति। स्पेलिंग की बात करेंगे तो CONSENSUS। अगला वर्ड है अनसरमोनियस। अनसरमोनियस मीन्स होता है अनौपचारिक, जिसे हम लोग बोलते हैं इम्पोलाइट या फिर अनऑफिशियल भी बोल सकते हैं। तो UNCERMONIOUS अनसरमोनियस होगा। और नेक्स्ट है ट्रीजन, यानी कि राजद्रोह, जिसे हम बोलेंगे डिसलॉयल्टी। डिसलॉयल्टी मीन्स होता है राजद्रोह। TREASON ट्रीजन। ट्रीजन मीन्स होता है राजद्रोह। अगला वर्ड है रेवेज्ड। रेवेज्ड मीन्स होता है तबाह, यानी कि डिस्ट्रॉय। RAVAGED रेवेज्ड। नेक्स्ट है परप्लेक्स्ड। परप्लेक्स्ड मीन्स होता है भ्रांत या फिर अजीब, जो सुलझा हुआ न दिखे, जिसे पेचीदा बोल सकते हैं। और इसका जो सिनानिम होगा वो पजल्ड हो जाएगा, PUZZLED। नेक्स्ट है एनोनिमिटी। एनोनिमिटी मीन्स होता है गुमनामी, यानी कि जिसे जाना न जा सके, जो जिसे कोई जानता ना हो, तो बीइंग अननोन। नेक्स्ट है एफिमेरल। एफिमेरल मीन्स होता है शॉर्ट लिव्ड, यानी कि जो टेम्पररी हो। सिंपल वर्ड में हम लोग बोलते हैं अल्पकालिक। नेक्स्ट वर्ड है कैप्सन। कैप्सन मीन्स होता है शीर्षक, यानी कि टाइटल। नेक्स्ट है बैटर्ड। BATTERED। बैटर्ड मीन्स भी होता है डिस्ट्रॉय, जैसा कि आप लोगों ने पहले भी देखा है डिस्ट्रॉय का, तो यहाँ पे चकनाचूर या फिर बर्बाद हो जाएगा। एक्स्ट्रावेजेंट। एक्स्ट्रावेजेंट मीन्स होता है दोस्तों फिजूल की खर्च करने वाला, यानी कि फिजूल खर्ची, जिसे स्पेंड थ्रिफ्ट बोलते हैं। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है एक्स्ट्रावेजेंट के बारे में। नेक्स्ट वर्ड है जो वो है रिडंडेंट। रिडंडेंट मीन्स होता है निरर्थक, यानी जिसका कोई भी अर्थ ना हो वो निरर्थक कहेंगे। जैसा कि इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा सुपरफ्लूगस। स्पेलिंग की बात करेंगे तो RED UNDANT। नेक्स्ट है हिंडर्ड। हिंडर्ड मीन्स होता है बाधा या फिर अड़चन, जिसे इंग्लिश का वर्ड ऑब्स्टिकल हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाएगा। तो यहाँ पे OBSTRUCTED ऑब्स्ट्रक्टेड दिया गया है। नेक्स्ट वर्ड है कंसील्ड। कंसील्ड मीन्स होता है दोस्तों छुपाना या फिर छुपा हुआ, जिसका सिनोनिम हो जाएगा हिडन। CONCEALED कंसील्ड मीन्स होता है छुपा हुआ। नेक्स्ट है रेलिस। रेलिस मीन्स होता है इंजॉय करना, यानी कि स्वाद या आनंद। RELISH। नेक्स्ट है अक्यूट। अक्यूट मीन्स होता है शार्प, यानी कि जो नुकीला हो या फिर चमकदार हो या फिर हम बोल सकते हैं तीव्र हो, ऐसे चीज के लिए हम लोग अक्यूट वर्ड यूज करते हैं। नेक्स्ट है सॉलिसिट। सॉलिसिट मीन्स होता है मांगना या फिर रिक्वेस्ट करना।
तो SOLICIT सॉलिसिट मिस होता है रिक्वेस्ट। अगला वर्ड है सरमाउंट। सरमाउंट मिस होता है बढ़ना या फिर विजय पाना, जिसे जिसका सिनोनिम्स हो जाएगा ओवरकम। पर्टिनेंट PERTINENT पर्टिनेंट मिस होता है उचित यानी कि रेलिवेंट RELEVANT रेलिवेंट। नेक्स्ट वर्ड है नेबुलस। नेबुलस मिस होता है वेक यानी कि अस्पष्ट, या फिर हम बोल सकते हैं अनक्लियर, या फिर बोल सकते हैं जैसा कि ट्रांसपेरेंट अस्पष्ट होता है तो अनट्रांसपेरेंट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे सीधे सीधे आप लोग ये याद कीजिए नेबुलस का वेक NEBULOUS नेबुलस। नेक्स्ट है यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस मिस होता है ओमनी प्रेजेंट यानी कि सर्वव्यापक, जो हर जगह मौजूद हो। तो स्पेलिंग की बात करेंगे तो UBIQUITOUS। नेक्स्ट है कोरोबोरेट। कोरोबोरेट मीन्स होता है परिपुष्ट करना यानी कि सब्सटेंशिएट। सब्सटेंशिएट मीन्स होता है परिपुष्ट करना या फिर कोरोबोरेट करना। सिंपल भाषा में बोलें तो सिद्ध करना बोलते हैं सब्सटेंशिएट को। नेक्स्ट है एडिक्वेट यानी कि पर्याप्त। इसके पहले मैं करवा चुका हूँ ये वर्ड फिर से, यानी कि पूछा गया था तो इसे नोट डाउन कर लिया है। तो एडिक्वेट मीन्स होता है पर्याप्त यानी कि सफिशियंट होना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे तो वो है कंसिडरेबल। कंसिडरेबल मीन्स होता है सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण, इम्पॉर्टेंट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे स्पेलिंग की बात करेंगे तो कंसीडर से बना है, तो पहले आप लोग कंसीडर याद करेंगे उसके बाद ABLE जोड़ देंगे तो कंसिडरेबल हो जाएगा सिग्निफिकेंट इसका, और इम्पॉर्टेंट जो है और नेसेसरी भी हो सकता है इसका सिनानिम्स। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन्स होता है संगति या फिर सामंजस्य, जिसे हम बोलते हैं हारमोनियस यूनिफॉर्मिटी। तो कंसिस्टेंसी आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कंस्पायर। कंस्पायर मीन्स होता है साजिश करना। सेक्रेटली प्लान टू कमिट एन अनलॉफुल और हार्मफुल एक्ट, जिससे नुकसानदायक एक्शन, ऐसा कार्य जिससे नुकसान हो, या फिर किसी व्यक्ति को साजिश रच के किसी चीज़ के उसका नुकसान करना, ऐसी चीज़ के लिए हम कंस्पायर बोल सकते हैं, कंस्पायर वर्ड यूज़ करते हैं। अगला वर्ड है कंटेम्पलेट। कंटेम्पलेट मीन्स होता है मनन या फिर विचार करना, यानी कि बैठे बैठे जो भी चीज़ें आप लोग विचार करते हैं उसे कंटेम्पलेट बोलते हैं। इंस्पेक्ट और ऑब्जर्व यानी कि ऑब्जर्व करना। नेक्स्ट जैसा कि इसे करवाया गया है लेकिन फिर से आप लोग देख सकते हैं कोरोबरेट, कंफर्म और वेरीफाई यानी कि पुष्टि करना या फिर साबित करना। और इसका कोरोबरेट का मैंने एक वर्ड और आपको बताया था, सब्सटेंशिएट एक वर्ड यूज किया गया था सिद्ध करना या फिर साबित करना। नेक्स्ट है कोविनेंट। कोविनेंट मीन्स होता है एन एग्रीमेंट या फिर अनुबंध, COVENANT। नेक्स्ट है क्रास। क्रास मीन्स होता है मूर्ख यानी कि स्टूपिड, इनसेंसिटिव। तो यहाँ पे CRASS याद कीजिएगा, क्रॉस मिस होता है मूर्ख। नेक्स्ट है कल्मिनेशन यानी कि चरम बिंदु, या फिर जिसे बोल सकते हैं क्लाइमेक्स, पीक और हाईएस्ट पॉइंट। CURV कर्व। कर्व मिस होता है रोकना, रेस्ट्रेन यानी इसको हम लोग परहेज करना भी बोल सकते हैं, एब्स्टेन भी बोल सकते हैं। तो ये सिनोनिम्स वर्ड हो जाएंगे। कीप इन चेक यहाँ पे दिया गया है, रेस्ट्रेन और कीप इन चेक। नेक्स्ट वर्ड जैसा कि बैटर्ड हो चुका है, नष्ट करना या फिर डिस्ट्रॉय करना। नेक्स्ट है बिनाइन। बिनाइन मीन्स होता है बहुत ही सौम्य यानी कि जेंटल या फिर काइंड। काइंड बोल सकते हैं, जेंटल बोल सकते हैं। स्पेलिंग बिनाइन का BENIGN याद रखिएगा। बिरेट। बिरेट मीन्स होता है स्कॉल्ड करना यानी कि डांटना, किसी को डांटना, तो BERATE बिरेट याद कर लीजिएगा। रेट जैसा कि दर होता है, नेक्स्ट आगे BE लगा देंगे तो बिरेट मीन्स होता है किसी को, जैसा कि कोई आपको सामान रेट बढ़ा कर दे रहा है तो आप उसको बिरेट कर सकते हैं यानी डांट सकते हैं, क्यों इस सामान का रेट बढ़ा कर दे रहे हो। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, याद करने के बहुत तरीके होते हैं। अभी मैं सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ एंटोनिम्स का, जिसमें आपको इमेज दिखाकर उस चीज़ को याद कराने के तरीके दिखाऊंगा। ये तो मेरे नोट्स हैं जिसके थ्रू जो भी एग्ज़ाम में
मोस्ट इंपॉर्टेंट आए हुए क्वेश्चन हैं उनको करवा रहा हूँ, जिससे कम समय में आपका ये कवर हो जाए। तो इस चीज़ को आप देखकर फिर से एंटोनिम्स वाले पार्ट में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है सेंसर। सेंसर मीन्स होता है, तो सेंसर मीन्स होता है निंदा करना, यानी कि एक्सप्रेस वेयर डिस अप्रूवल ऑफ। एक वर्ड छूटा है ब्रोथ, BROTH, ब्रोथ मीन्स होता है शोरबा यानी कि वेजिटेबल चंक्स। चैटर, चैटर मीन्स होता है बकवास करना, यानी कि कई लोग मिलकर बैठकर फालतू बातें करते हैं, ऐसे चीज़ के लिए हम लोग चैटर वर्ड यूज़ करते हैं। इनसेसेंट ट्राइबल टॉक। चेरिश मीन्स होता है प्रोटेक्ट एंड केयर फॉर समवन लविंगली, यानी लालन पालन करना। चेरिश, CHERISH। चेरिश। नेक्स्ट वर्ड है सिवालरस। सिवालरस मीन्स होता है शिष्टवीर, यानी कि कोर्टियस एंड गैलेंट। स्पेलिंग की बात करें तो CHIVALROUS, सिवालरस। नेक्स्ट वर्ड है कोल्यूजन। कोल्यूजन मीन्स होता है मिलीभगत, यानी कि कोई ऐसा काम कई लोग मिलकर, हालांकि ये इसका जो एम होगा, उद्देश्य होगा, वो गलत होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है सेक्रेट और इलीगल कोऑपरेशन आर कंस्पिरेसी, तो मिलीभगत बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंपेनियनशिप। कंपेनियनशिप मीन्स होता है भाईचारा या फिर मित्रता, और फीलिंग ऑफ फेलोशिप और फ्रेंडशिप। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो UPPCL एग्ज़ाम के लिए, सिनोनिम्स के लिए, और यहाँ से एंटोनिम्स भी पूछे जा सकते हैं। तो आप इसे लर्न करने दो बार देखेंगे तो आसानी से लर्न हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपका समय नहीं लगेगा। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक अपना तैयारी करते रहें। टेक केयर, बाय बाय।